हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही स्पेशल। आज हम बना रहे हैं आम का बिना तेल का हींग वाला अचार, और ये अचार बहुत ही खास है क्योंकि ये बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनने वाला अचार है जो पूरे साल ख़राब नहीं होता है और जीरो ऑयल रेसिपी है। और इसको बनाना बहुत आसान है, केवल नमक, हींग और लाल मिर्च का इसमें इस्तेमाल हुआ है। और 10 किलो यहाँ हमने लिए हैं कच्चे आम। और ये जो आम के अचार बनाने का एक्सपीरियंस था बहुत ही फन फिल्ड था, क्योंकि सभी फ्रेंड्स ने हमने मिल के ही अचार बनाया है। आम को धोकर पोंछ लिया है और उसके छिलके उतार लिए हैं, और फिर इसके हम टुकड़े काट रहे हैं। लंबे पतले टुकड़े हमें इसके कट करना है, और इसकी जो गुठलियाँ निकली हैं उस पर जो गूदा है उसे भी हम आम पना बनाने में यूज़ करेंगे। तो आम पने की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल में शेयर की है, उसे भी आप देख सकते हैं। आम की लंबी पतली फांके काटने में हमें बहुत ही कम समय लगा क्योंकि हम सब ने मिलकर ये काम किया, और इसे अब एक बड़े पतीले में हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। और इसमें अब हम डालेंगे नमक। यहाँ नमक हम यूज़ कर रहे हैं सेंधा नमक। सेंधा नमक यूज़ करने से आप इसे व्रत में भी यूज़ कर सकते हैं। तो 10 किलो आम की अचार की फांकों में यहाँ 1.5 किलो सेंधा नमक हमने लिया है, और नमक को अच्छे से आम की फांकों पर लपेट दिया है। तो प्रॉपरली मिक्स करें दोनों हाथ से, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। बड़े पतीले में हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और उसके बाद इसे हमें ढक के रखना है 24 घंटे के लिए। नमक को अच्छे से लगा लें। अगर छोटे बर्तन में आपको लग रहा है कि प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा तो उसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें। तो मैंने अपने चैनल में कई तरह के अचार की रेसिपी शेयर की है, आम का लहसुन वाला अचार, आम की लौंजी, आम का मीठा मुरब्बा, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। और ये जो अचार है ये तो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये जीरो ऑयल रेसिपी है और खाने में लाजवाब है। तो बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है दूसरी वाले क्वांटिटी को भी, ताकि प्रॉपरली मिक्स हो जाए। और नमक आप भी सेंधा यूज़ करें ताकि आप इसे व्रत में भी यूज़ कर सकेंगे। इसमें कोई राई की दाल, मेथी दाना, सौंफ ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं किया गया है। अब इसे ढककर 24 घंटे के लिए रख दिया जाता है, और बीच में 24 घंटे में आप बीच में कम से कम 2 से 3 बार इसे हिलाएं ज़रूर, ताकि ये ऊपर नीचे हो जाए और इसका जो पानी है वो अच्छे से अलग हो जाए। तो नमक डालने से आम का जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है। तो ये रेसिपी एकदम डिफरेंट है, ये भी हमने भी फर्स्ट टाइम, मैं भी ये अचार इस तरह का सीख रही हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब हम 24 घंटे के बाद आम को का जो पानी है वो छन्नी पे रख के इस तरह से निकाल लेते हैं, कड़छी से डालते जाते हैं, और उसके बाद इसे हम सूखने के लिए रखेंगे। अगर धूप है तो ये 4-5 घंटे में सूख जाते हैं, अगर धूप नहीं है, बारिश का मौसम है, तो आप इसे पंखे के नीचे कम से कम 24 आवर्स के लिए रखें ताकि आम का जो एक्स्ट्रा पानी है वो इवोपरेट हो जाए। और नीचे जो पानी निकल रहा है इस पानी को भी हम फेंकेंगे नहीं, ये जो नमक वाला पानी है इसे भी रखेंगे। तो ये जो अचार है बहुत कम लागत में बनता है और बहुत टेस्टी होता है। मट्ठी के साथ तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, और इसे आप चटनी बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, हमने ये इसे कपड़े पर फैला दिया है, और सूखने के बाद इस तरह से हो जाती हैं आम की फांके। 24 घंटे पंखे के नीचे रख के सुखाया है क्योंकि बाहर थोड़ा बारिश का मौसम है, तो ये आम की फांके इस तरह से सूख गई हैं। अब हम इसे इकट्ठा कर लेंगे और एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। अब जो हींग वाला पानी, ये जो पानी निकला था आम का, उसमें हम डालेंगे हींग। तो हींग, यहाँ हींग का फ्लेवर प्रोमिनेंट होता है। तो 10 किलो आम में हमने यहाँ 80 ग्राम हींग यूज़ की है। तो मेजरमेंट्स आप याद रखें, हींग का फ्लेवर ही हमें मुख्यतः इसमें देना है। तो लगभग 80 ग्राम हींग यूज़ की है, और इस पानी में डालकर हमें उबालना है। ये रामदेव की हींग यहाँ पर ली है, स्ट्रॉन्ग हींग है, और एक उबाल आने के बाद 1 से 2 उबाल ही लेना है ताकि ये ख़राब ना हो। इस पानी के साथ हींग को उबाल लेते, नमक वाला पानी है ये, और जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसे आम में मिक्स करेंगे। एक कैरी या आम की फांके जो सूख गई थी उसके बाद इसमें डाला जा रहा है देगी मिर्च। ये देगी मिर्च से कलर भी अच्छा आता है और फ्लेवर भी। तो MDH की देगी मिर्च यहाँ पर ली है, और 80 ग्राम के लगभग यहाँ ये डाली जा रही है। तो हींग और लाल मिर्च दोनों सेम क्वांटिटी है, और इसे भी हम यहाँ प्रॉपरली मिक्स कर लेते हैं। तो ये अचार पूरे साल भी आप बाहर रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा, और बिना तेल के बनने वाला ये अचार बहुत हेल्दी है और
बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं और एकदम डिफरेंट टेस्ट आता है। हींग का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही इसमें टेस्टी लगता है, और वैसे तो आप इसे इमीडिएट भी खा सकते हैं, लेकिन अगर 15 से 30 दिन तक आप इसे रखेंगे तो पूरी तरह से ये खाने के लिए तैयार हो जाता है। और जो हींग वाला पानी है उसे अभी हम ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो ये 10 किलो आम से इतना सा ही अचार बना है, तो मतलब क्वांटिटी इसकी कम हो जाती है बाद में। तो हमारा जो अचार 10 किलो से बना वो था लगभग 7 किलो, और ये हम सब फ्रेंड्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। और ये अचार बनाने का में बहुत हमें आनंद आया, क्योंकि सब ने मिलकर बनाया, एक नई चीज़ हमें सीखने को मिली। ये वीडियो मेरे लिए भी नया था, इसलिए मैं आपके साथ इसे शेयर कर रही हूँ। अब लाल मिर्च इसमें अच्छे से लिपट गई है, कलर बहुत अच्छा आ गया है, और अब इसमें हम जो हींग वाला पानी है वो डालेंगे। वो पानी भी पूरी तरह से ठंडा करके ही आप डालें, ये अच्छे से ठंडा हो गया है, और उसके बाद इसे डालेंगे, इसमें प्रॉपरली मिक्स करेंगे, और उसके बाद कांच के मर्तबान में भर के रख लेंगे। तो ये फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है इसे आप, इस बार अभी कच्चे आम आ रहे हैं, आप इसे थोड़ा सा बना के देखें, और आपको पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं। और ये इसके मल्टी यूजेस हैं, क्योंकि मुझे इसकी अच्छी बात ये लगी कि एक तो आप इसे व्रत में खा सकते हैं, दूसरे जब आपके पास खटाई के लिए अमचूर वगैरह नहीं है तो आप इसे चटनी में या दूसरी चीज़ों में, करेले वगैरह में भी इसे डाल सकते हैं। और बिना तेल का है, बाहर भी आप इसे रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा। सॉल्ट का जो हायर कंसंट्रेशन है वो इसे ख़राब होने से बचाता है, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो हमारा अचार बन के तैयार है, इसे हमने सबने थोड़ा थोड़ा बांट लिया, और ये जो एक्सपीरियंस था ये बहुत ही फनफुल था। तो फ्रेंड्स, आपको भी ये वीडियो आई होप पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ईट हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।